कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, नमस्कार दोस्तों, हमारी खास पेशकश आपकी बात में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ नमिता सचते। दोस्तों, सफल और कामयाब बनना तो जिंदगी में हर किसी की चाहत होती है, लेकिन क्या हम सभी कामयाब हो पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप हर काम को सही तरीके से और सही समय पर करें। कामयाबी के लिए कुशलता की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए तो हम आपका अपना प्रोग्राम आपकी बात आप सबके लिए लेकर हाजिर होते हैं, वो भी हर हफ्ते, जिसमें हम आपको देते हैं जानकारी सरकार की नई योजनाओं की, आपको बताते हैं कुछ कामयाब लोगों के बारे में और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने एक्सपर्ट से, जो आपको देते हैं जानकारी जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो आइए कौशल और सफलता की इन कहानियों की शुरुआत करते हैं आपको ये बताकर कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए सबसे खास क्या है। कौशल विकास ने दिखाया आत्मनिर्भर होने का रास्ता। हिम्मत, लगन और हौसले से लिखी कामयाबी की कहानी। मीडिया राउंडअप में ले जानकारी आगे बढ़ने और कामयाब होने की। एक्सपर्ट से जानिए कैसे दें अपने सपनों को ऊंची उड़ान। कहां मिलेगी आपको आपकी मनपसंद नौकरी और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। कुशलता और सफलता के लिए सरकार आज हर संभव मदद कर रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हमारे युवाओं के सपनों को साकार करने में उनको सहयोग भी दे रही है। कुशल भारत, कौशल भारत का स्लोगन आज हर युवा की जुबान पर है। हुनरमंद होने की ताकत आज हम सबको समझ में आ गई है। तो कुशलता और कामयाबी की एक ऐसी कहानी देखिए हमारे अगले सेगमेंट में। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में एक बेहतर रोजगार पाने के लिए केवल एकेडमिक शिक्षा हासिल करना पर्याप्त नहीं है। युवाओं के पास एजुकेशन के साथ साथ उन्हें स्किल्ड होना भी जरूरी है, यानी उनके पास प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना भी आवश्यक है। स्किलिंग के इसी महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिससे भारत को वर्ल्ड स्किल्ड कैपिटल बनाया जा सके। स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज हों जहां युवा अपने टैलेंट के मुताबिक स्किलिंग की डिग्री ले सकें या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकें। अपने स्किलिंग के हुनर को निखारने के लिए युवा शुरू से उसी दिशा में प्रयास करें जिससे इंडस्ट्री को भी अच्छे कैंडिडेट मिल सकें। हमारी यूनिवर्सिटी जिस मॉडल पे काम कर रही है, उस मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डिमांड बेस्ड फोकस, यानी मार्केट के अंदर किस प्रकार की डिमांड है आज की डेट में और किस प्रकार की डिमांड आने वाली है। हमारा डिमांड ड्रिवन अप्रोच सबसे पहले है। दूसरा, हमारा इंडस्ट्री के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट ही हमारी सारी मेथडोलॉजी और पेडागोजी को ड्राइव करेगा। यानी इंडस्ट्री जिस प्रकार से आज की डेट में एक रिसोर्स से एक्सपेक्ट करती है कि वो काम करे फ्लोर पे जाके, उसके अनुरूप ही हमारी पेडागोजी यूनिवर्सिटी के अंदर डिजाइन होगी। भारत को वर्ल्ड स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़कर प्रयास करते हुए हरियाणा सरकार ने सन 2016 में देश की पहली कौशल यूनिवर्सिटी हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। एक अच्छी ट्रेनिंग देकर कि जाते ही किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हाथों हाथ उनको जॉब मिल जाए और किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री उन्हें वेलकम करे और आज की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें इंडस्ट्री में जाकर कुछ ना करना पड़े। और जो सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार उसे पूरा करने के लिए इस तरीके की अपने आप में एक अनूठी यूनिवर्सिटी है, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी सरकार द्वारा संचालित पहली यूनिवर्सिटी है। हरियाणा के पलवल जिले के दुधोल गांव में स्थित इस यूनिवर्सिटी में युवाओं को इंडस्ट्री के मुताबिक स्किल्ड कोर्स ऑफर किए जाते हैं।
साथ ही आज के जमाने की मांग के आधार पर विश्व स्तर के ड्यूअल कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें युवा अर्न वाइल लर्न के आधार पर पढ़ रहे हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ फ्री एजुकेशन प्रोग्राम फॉर देम। उनका स्किल भी डेवलप होता है एंड इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो बेसिकली पीपल आर एबल टू गेट एजुकेटेड, वर्क, अर्न एंड गेट बेनिफिटेड बाय द एंटायर स्कीम। सो दैट इज द फंडामेंटल बेनिफिट which I think it's an excellent government program which has come out. ये कौशल विश्वविद्यालय विनिर्माण, कपड़ा, परिवहन, ऑटोमोबाइल, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, बैंकिंग और वित्त विपणन जैसे वर्तमान में उभरते क्षेत्रों में क्षेत्र की कौशल मांगों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कौशल विकास का मॉडल ये विश्वविद्यालय इंडस्ट्री की आधुनिक मांगों के अनुसार कोर्स तैयार करता है, जिससे यहाँ से कौशल प्राप्त युवाओं को अच्छी नौकरी मिल सके। में पहले जो बच्चे आया करते थे, आप उसको उसके स्किल को रैंप अप करने में नॉर्मली 9 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम लगता था। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से आप जाइएगा तो आपका जो भी एम्प्लॉय आता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही इज इक्विप्ड विद ऑल द काइंड ऑफ स्किल्स, सो ही इज इंडस्ट्री रेडी। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी देश और विदेश की जानी मानी इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रही है। यहाँ पर युवाओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग उन इंडस्ट्रीज के माध्यम से कराई जाती है, जिनसे युवाओं को बेहतर अनुभव मिल सके। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को इंडस्ट्रीज पेमेंट भी देती हैं। इस तरह युवा पढ़ाई के साथ साथ कमाते भी हैं, जो उनके उत्साह को भी बढ़ाता है। मुझे यहाँ पे काम करना ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ के अकेडमिक टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, और मेरे को कंपनी में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लेने के बाद युवा इंडस्ट्रीज के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ये जो कोर्स है बेसिकली एकेडमिया और प्लांट में जो काम करते हैं प्रैक्टिकल, उसके एक कॉम्बिनेशन है। जो प्रोफेसर्स एकेडमिया पढ़ाते हैं और जो प्लांट प्रैक्टिस करता है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था, उसकी वजह से प्लांट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, जिसकी वजह से फैकल्टी को डेवलप किया गया उसके अकॉर्डिंगली। और जो रिक्वायरमेंट NSQF का है, उसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल, जेनरिक नॉलेज और जेनरिक स्किल, उसको भी दोनों इंडस्ट्री को और फैकल्टीज को समझने का बहुत ज़्यादा जरूरत था, जिसकी वजह से हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने का सोचा और एग्जीक्यूट करा। यहाँ पर चलाए जा रहे कोर्सेज में से एक है BSc ऑटोमोटिव मेकाट्रॉनिक। ये 3 साल का कोर्स है, जिसे यूनिवर्सिटी देश की जानी मानी मोटर कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के साथ नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क Level 7 के स्तर पर चला रही है। आज के दौर में डुअल एजुकेशन मॉडल को अपनाते हुए चलाए जा रहे इस कोर्स में युवाओं की खासी दिलचस्पी है, क्योंकि इसके बाद इन्हें कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लासरूम के अंदर इनको बच्चों को बताए जाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब ट्रेनिंग के दौरान इस ट्रेनिंग सेंटर में बताए जाते हैं, और ये बच्चे रूटीन में डेली बेसिस पे उन कॉन्सेप्ट्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान शॉप फ्लोर पे रियल लाइफ में एक्शन में खुद करते हैं, या किसी और को उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए देखते हैं, जिससे इनके वो गैप हैं रूटीन में डेली बेसिस पे पूरे होते रहते हैं। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे कोर्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से चला रही है, यानी युवाओं को फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार कर रही है। समाज के हर वर्ग के लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है, तो हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हरियाणा का ट्रेडिशन बंचारी के नगाड़े, जो कि बहुत ही मशहूर एक सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है लोग, और हमारा कल्चर जिससे कि दिखाई देता है, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कि उसको हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से ले जाएं, इंडिया के अन्य प्रदेशों के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्हें किस तरीके से प्रचारित प्रसारित कर सकें, जिससे कि हरियाणा का कल्चर भी आगे बढ़े। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा का एक ऐसा प्रयास है जो भारत को वर्ल्ड स्किल कैपिटल बनाने के लिए शुरू हुआ है, जिससे हमारे युवा विश्व शक्ति बन सकें,
जिनके कौशल की चमक से भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सके। कौशल और कामयाबी की कहानियां आपको दिखाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर फिलहाल वक्त हमें कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक तो यहां पर ले ही लें। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे। हिम्मत, लगन और हौसले से लिखी कामयाबी की कहानी, मीडिया राउंडअप में लें जानकारी आगे बढ़ने और कामयाब होने की। अगर आप वस्त्र निर्माता हैं, तो आप अपने कर्मचारियों को स्किल सर्टिफाइड करवा सकते हैं। ये सुविधा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम के तहत मुफ्त उपलब्ध है। इससे विदेशी खरीदार भी आपके उद्योग के प्रति आकर्षित होंगे। संपर्क करें अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल 7835027700 या वेबसाइट www.ssc.amh.com पर। कौशल भारत, कुशल भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि हमारी जिंदगी एकदम सही ट्रैक पे चल रही होती है, बहुत अच्छे से हम जिंदगी जी रहे होते हैं, पर पता नहीं कब, कहाँ, कैसे अनजानी सी एक मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, परेशानियों का सामना नहीं कर पाते और वो मुसीबत उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चुनौती का सामना करते हैं, डटकर उसका मुकाबला करते हैं और दूसरों के सामने एक मिसाल बनकर सामने आते हैं, जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम आपकी बात में हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दिखाते आए हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे, जिनसे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें और आपको एक प्रेरणा मिल सके। आइए देखते हैं ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी अपने अगले सेगमेंट कामयाबी की ओर में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाया है। आज कौशल प्रशिक्षण ने इन कुशल लोगों के चेहरों पर चमक ला दी है। कुछ ऐसी ही कहानी है कविता शर्मा की, जिनके जीवन में खुशियों की दस्तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट से आई है। आज घर में सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पति का रोजगार छूट जाने से ये घरेलू महिला कभी बहुत परेशान थी। मैं एक हाउसवाइफ थी और मेरे को एक ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल जाया करती थी, तो मेरे हस्बैंड का काम नहीं था, मेरे हस्बैंड घर पे ही थे। कविता शर्मा को उम्मीद की रोशनी दिखाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने। जानकारी मिलने पर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग ली और सर्टिफिकेट हासिल किया, जिससे इन्हें एक सिक्योरिटी कंपनी में आसानी से जॉब मिल गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जो ये प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है लेडीज और जेंट्सों के लिए, कम पढ़े लिखे भी और ज्यादा पढ़े लिखे भी अगर ये ट्रेनिंग करते हैं तो हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी। हमें आज के टाइम में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिलता है सर, वो हमें मिला भी है। उस सर्टिफिकेट को दिखा के कि हम प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब हमें ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, तो सर उससे हमें आसानी से जॉब मिल सकती है। ये कहानी केवल आज कविता शर्मा की ही नहीं बल्कि देश की हजारों महिलाओं की है, जिनकी जिंदगियों को खुशियों से भरने का काम किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने। इन्हीं में से हैं गंगा वर्मा और कविता। इन्होंने भी अपनी मुश्किलों का हल कौशल की ट्रेनिंग लेने के बाद पाया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची, आज मेरे बच्चे बहुत खुश है। मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन मुश्किल समय में भी उम्मीदें होती हैं आगे बढ़ने की, जैसा कि इन महिलाओं ने करके दिखाया। सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें, जानकारी रखें कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आगे बढ़ने में और कामयाब होने में आपकी मदद कर सकती हैं। दोस्तों, हुनर और रोजगार के क्षेत्र में देश में कब, कहां, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमारे युवाओं को होना बहुत जरूरी है ताकि वो खुद को अपडेट रख सकें। और अपने प्रोग्राम के जरिए हमारी भी ये पूरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कंपटीशन के इस दौर में पूरी तरह से अवेयर रख सकें। इसीलिए तो हर बार अपना सेगमेंट मीडिया राउंडअप आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज के मीडिया राउंडअप में आप सबके लिए क्या स्पेशल है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे देश की लोक कला संस्कृति बहुत समृद्ध है,
मनोरंजन के साथ साथ ये लोगों को एक संदेश भी देती है। मैं सुशील और मैं शारी सभी साश्रित गार करती हूँ। मैं अबलम और सर्वगुण संपन्न नारी हूँ। मनोरंजन के इन्हीं तरीकों में से एक है नुक्कड़ नाटक, जो आज भी समाज के हर वर्ग तक संदेश को मनोरंजक तरीके से पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें कलाकार दर्शकों के नजदीक जाकर उन तक सीधे अपनी बात पहुंचाते हैं। हम जो नुक्कड़ कर्मी हैं, हम समाज में जो बुरी चीजें हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। नुक्कड़ नाटक में अभिनय करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इसमें रिटेक की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि रिटेक का मतलब होता है रिद्म का टूटना। इसलिए नाटक को दर्शकों के बीच ले जाने से पहले इसकी प्रॉपर तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो संदेश आप समाज को देना चाहते हैं वो प्रभावशाली तरीके से समाज तक पहुंच सके और समाज को प्रभावित कर सके। ये नुक्कड़ नाटक जो होता है वो एक बेसिकली एक स्ट्रीट प्ले है, जो कि सोशल अवेयरनेस इश्यूज को लेके किया जाता है। तो वो किस लिए होता है? वो तो जनता के लिए होता है। और जनता जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि सारे जनता जो भी है वो एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, ज़रूरी नहीं कि वो हमारा सारा हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है आसपास के, जो भी जर्म्स या फिर गंदगी फैलाने से जो भी प्रॉब्लम होता है, बीमारी, वो लोग सबके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, या फिर एजुकेशन के बारे में भी, तो वो सब मैसेज हम लोग उन तक पहुँचा सकते हैं, तो वो नुक्कड़ के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक समाज में परिवर्तन लाने का एक सार्थक प्रयास है, अपने संदेश को मजबूती से लोगों के बीच रखने का माध्यम है। ऐसे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, ताकि इन कलाकारों का हौसला बढ़ सके। सफलता और हुनर की ऐसी ही कुछ कहानियां दिखाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर फिलहाल हमें लेना पड़ रहा है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे एक्सपर्ट से जानिए कैसे दें अपने सपनों को ऊंची उड़ान, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जानिए कहां मिलेगी आपको अपनी फेवरेट नौकरी। अगर आप वस्त्र निर्माता हैं, तो आप अपने कर्मचारियों को स्किल सर्टिफाइड करवा सकते हैं। ये सुविधा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम के तहत मुफ्त उपलब्ध है। इससे विदेशी खरीदार भी आपके उद्योग के प्रति आकर्षित होंगे। संपर्क करें अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल 7835027700 या वेबसाइट www.ssc.amh.com पर। कौशल भारत, कुशल भारत। ब्रेक के बाद आपके अपने शो आपकी बात में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, गारमेंट सेक्टर में कई ऐसे जॉब्स हैं जिनकी डिमांड गारमेंट इंडस्ट्री में तो बनी रहती है। ऐसा ही एक जॉब रोल है एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर। कभी हाथों से होने वाली ये कारीगरी आज मशीनों से भी होती है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमारे युवा इस कोर्स को करके अच्छी नौकरी आसानी से पा सकते हैं, इस बात की जानकारी हमने अपने एक्सपर्ट से ली। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक अच्छे एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं अपने अगले सेगमेंट एक्सपर्ट की बात में। किसी भी कपड़े के सुंदर दिखने में कई चीजों का हाथ होता है, जैसे कपड़े की क्वालिटी, कलर और सबसे जरूरी उसका डिजाइन। बेहतरीन डिजाइन को निखारने का काम करती है उस पर की गई एम्ब्रॉयडरी, जो कि हमेशा से ही कपड़ों के डिजाइन में एक बेहतरीन रोल अदा करती है। जो काम पहले हाथों से किया जाता था, आजकल वही काम बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से होने लगा है। इसीलिए गारमेंट सेक्टर में एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर सबसे ज्यादा जॉब देने वाले कामों में से एक है। एम्ब्रॉयडरी का काम मशीनों के जरिए बहुत जल्द हो जाता है, जिससे समय की भी बचत होती है। एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर ज़िगज़ैग मशीन हमारा जॉब रोल है। ये NSQF लेवल 4 का जॉब रोल है। NSQF लेवल मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर वर्कर्स काम करते हैं, और मशीन के मशीन की मदद से वो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जैसे एप्लीके वर्क, मिरर वर्क और कट वर्क। ये सारी जो एम्ब्रॉयडरीज होती है मशीन के थ्रू की जाती है।
युवाओं को एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत अपेरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर के जॉब रोल पर युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद सर्टिफाइड करने का काम करती है। इसमें हम लोग जो ट्रेनीज को सिखाया जाता है कि कितने तरीके के फैब्रिक्स होते हैं और कितनी तरीके की एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, कौन सी फैब्रिक के ऊपर कौन सा नीडल इस्तेमाल हो सकता है, नीडल जैसे कि कौन सी सुई इस्तेमाल हो सकती है एम्ब्रॉयडरी की, सुई किस कौन से धागे से एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है किस कपड़े पे और किस तरीके के कलर्स कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब इस जॉब रोल में सिखाया जाता है। कुशल एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेटर की डिमांड गारमेंट इंडस्ट्री में हमेशा बनी रहती है, इसीलिए सर्टिफाइड कैंडिडेट को आसानी से जॉब मिल जाता है। अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो ट्रेनिंग पार्टनर युवाओं को नौकरी दिलाने में भी मदद करते हैं। हमारा अपना पोर्टल है जिसमें हम आप कह सकते हैं इंडस्ट्री लिंकेजेस होते हैं, जैसे कहाँ पे अगर किसी ट्रेनिंग पार्टनर भी इंडस्ट्री से लिंक्ड होता है, नहीं तो हम भी लिंक के इंडस्ट्री लिंकेजेस में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनीज होते हैं उनको इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ पे भी वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इंडस्ट्री में। और अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो वो अपनी खुद की छोटी सी यूनिट भी खोल सकता है। घरेलू महिलाओं और लड़कियों में एम्ब्रॉयडरी की समझ और सूझबूझ पहले से ही होती है, इसलिए इस काम को सीखना और करना महिलाओं के लिए और भी आसान है। यही कारण है कि गारमेंट इंडस्ट्री में महिलाएं काफी संख्या में काम करती हैं। क्योंकि महिलाओं के अंदर एक अपना ही हुनर है, एक इनबॉर्न स्किल होती है कलर्स को पहचानने की, उनके कॉम्बिनेशंस के लिए, तो वो एक उधर जाके इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस गेन करके अपनी यूनिट भी खोल सकती हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा वो रहेगा कि बाद में एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो अपनी यूनिट खोलें या मतलब लोन लेकर अपनी यूनिट खोलें, तो उससे उन्हें घर से बाहर भी नहीं ज़्यादा जाना पड़ेगा, घर भी देख सकती हैं और साथ में हम भी एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल्स को सिखाते हैं ट्रेनिंग के अंदर, जिस सॉफ्ट स्किल्स के अंदर उन्हें सिखाया जाता है किस तरीके से उन्हें कस्टमर के साथ बात करनी है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, कैसे शीट बनाई जा सकती है कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, क्या डिलीवरी डेट है, क्या ऑर्डर डेट है, कितने पीसेस आए, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, कॉस्टिंग सिखाई जाती है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण मिलने से हमारे देश में कुशल कार्यबल की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हो रहा है निर्माण सवरते भारत का, कुशल भारत का। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम के जरिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे देश के युवा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर जिंदगी में आगे बढ़ सके। साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि हमारे युवाओं को एक अच्छी सी नौकरी मिल सके, वो भी आसानी से। इसीलिए तो आपके लिए लेकर आते हैं हर बार अपना सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज। इस हफ्ते भी हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां कहां पे जॉब ऑफर्स हैं और कैसे और कब तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। भारतीय वन सर्वेक्षण में पोस्ट ग्रेजुएट अधिकतम 30 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2017 है। अधिक जानकारी www.fsi.nic.in से ली जा सकती है। बीटेक किए हुए अनुभवी आवेदक राइट्स लिमिटेड में एडिशनल जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2017 है। अधिक जानकारी www.rights.com से ली जा सकती है। मॉयल लिमिटेड में नर्स का 1 साल तक के अनुभव वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 8 दिसंबर 2017 है। अधिक जानकारी www.moil.nic.in से ली जा सकती है। दोस्तों, जब भी हमारे आसपास कोई इंसान कामयाब होता है ना, तो वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है और दूसरे लोग भी उसकी सफलता की राह को अपनाना चाहते हैं। सफलता और हुनर की ऐसी ही कहानियाँ हम अपने प्रोग्राम आपकी बात में आप सबको दिखाते हैं, ताकि आप भी उनसे प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकें और लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर सकें।
फिलहाल आप सबसे इजाजत चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते ठीक इसी वक्त इसी समय। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल,